अच्छा, अगर आपको ये पता चले कि एक जगह, मतलब कोई भी होटल है जो कि हॉन्टेड है, थोड़ा सा डरावना है, लेकिन वो काफी सस्ते में मिल रहा है, तो पूरे घर के साथ आप चाहे तो गर्मियों की छुट्टियां बिताने के लिए जा सकते हैं, और वो ऐसी जगह हो जहां पर जाने का हर किसी को मन करे। मैं विदेश की नहीं, मैं ऊटी की बात कर रहा हूँ। नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, आप सभी का स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है चाचा का रेडियो। बहुत से लोग नहीं पहचाने होंगे, अब पहचान लेंगे, क्योंकि मैं भूल गया था वीडियो बनाते बनाते, जब अपने आप को देखा तो पता पड़ा कि अरे चश्मा तो रह गया था। देखिए, ऐसा है, जो मैं आज आपको आर्टिकल बता रहा हूँ ये ऊटी से है, और ऊटी में एक होटल है, फर्न हिल्स होटल, ठीक है। यहाँ सबसे बड़ी एक कमाल की बात, पहले बात तो ये 1800 समथिंग में बना था, ठीक है, और ये एक महाराजा ने बनाया था और अपना फेवरेट बताया था कि मैं कभी भी वक्त मिलेगा तो यहाँ पर अपनी छुट्टियां बिताने आया करूंगा, और वो आते भी थे अक्सर। लेकिन जब ये मूवी का शूटिंग चल रहा था, राज की बात कर रहा हूँ, जिसमें विपाशा थी और वो फर्स्ट पार्ट है राज का, ठीक है, उसके बाद मेरे ख्याल से और भी आए थे, लेकिन इसके अंदर, जिसके अंदर सरोज खान भी काम कर रही थी, ये उस वक्त की बात है। इन्होंने होटल जो चूज करा वो ऊटी का यही वाला था जो मैं बता रहा हूँ, फर्न हिल्स होटल, नाम ठीक ले रहा हूँ, थोड़ा सा प्रोनंसिएशन में कभी कभी मिस्टेक हो जाती है, तो गलती ना मानकर आप उसे, एक हो जाता है लोगों से, वो मानिएगा, लेकिन फर्न हिल्स ही है। और शुरुआत कैसे हुई थी थोड़ा सा वो समझते हैं। होता क्या है कि जब ये इस होटल में आए तो हर किसी ने होटल की, उसके इंटीरियर की बहुत तारीफ करी कि इतना एंटीक लग रहा है देखने में, इतना प्यारा लग रहा है देखने में, कि मतलब इसकी जितनी तारीफ करी जाए उतनी कम है, और ये चाह रहे थे कि अधिकतर सारी शूटिंग जो हो होटल के अंदर ही हो जाए। इतना बेहतरीन, इतना खूबसूरत, एक एक चीज बहुत प्यारी थी, वहां का फर्नीचर, उसकी कारीगरी, उसकी घड़ी, उसका फ्लोर, उसका वॉल, ओ हो क्या कमाल। क्योंकि देखिए, जब हम कोई मकान या कोई होटल बनाते हैं तो उसके अंदर जब तक वो फर्निश्ड नहीं होता, जब तक उसमें सामान नहीं लगता, तब तक तो वो खाली कमरा लगता है। और अगर बात करी जाए पुराने जमाने के आर्किटेक्चर के बारे में, तो उसकी कोई भी आज कंपैरिजन हो ही नहीं सकता, वो इतने बेहतरीन कारीगर हुआ करते थे। क्योंकि हाथ से आज के डेट में मशीन से जो पॉसिबल हो पाता है या कभी कभी नहीं, वो लोग बना देते थे, मतलब वो हाथ से बनाना जानते थे, इतने बेहतरीन कारीगर थे। पूरे होटल को बहुत सुंदर आलीशान बनाया था, जहाँ यहाँ टीम पहुंची, पहुंचने के बाद सब ने फोटोज क्लिक करनी शुरू कर दी। सबसे डरावनी बात उसी वक्त हो गई थी जब ये फोटो क्लिक कर रहे थे। हर किसी ने सरोज खान को बताया कि हम कुछ अजीब सा, वियर्ड सा महसूस कर रहे हैं जब फोटो क्लिक करी, और बड़े वाले कैमरे से, क्योंकि शूटिंग हो रही है पिक्चर की, तो उन पे कैमरा वो बड़ा वाला था, जो कि हाँ आपके हमारे कैमरे से बहुत ज्यादा सेंसर पकड़ लेता है, ठीक है, अगर वीडियो शूट करी जाए, स्लो मोशन हो, चाहे कोई उसके अंदर फोटो क्लिक करनी हो, तो हमारे आपके कैमरे से वो एक क्वालिटी अच्छी ही निकालता है। तो जो वो फोटो क्लिक कर रहा था, उसने कहा कि मैं कई लोगों की फोटो क्लिक करी है, बार बार कोई एक परछाई, एक कोई काला साया मुझे दिख रहा है। दोपहर की बात है, दोपहर 1 बजे की बात है, ऐसा नहीं कि रात के अंधेरे में ऐसा कुछ हो रहा है। सरोज खान ने मजाक बनाया, बाकी लोगों ने भी मजाक करा। विपाशा कहती है कि हॉन्टेड है तो डरावनी बातें तो होनी चाहिए, ठीक है, आप ऐसी बातें करके सोच रहे हो कि मैं डर जाऊंगी, तो मुझे डर नहीं लगेगा और आपका ये ट्राई अच्छा था। वो हंस के कहता कि नहीं मैम, मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने कैमरे में किसी एक अलग सी अजीब सी इमेज को देखा है, देखी गई सबकी फोटो, तो किसी की भी फोटो साफ नहीं आई थी, सबकी फोटो एक तरह से ब्लर थी। वो कहता है कि मैं कब से खींच रहा हूँ फोटो, और मुझे क्या फोटो क्लिक करनी नहीं आती, इन सबकी, ये 8-10 लोगों की मैंने जो फोटो क्लिक करी है, किसी ने गार्डन में, किसी ने कमरे में, किसी ने रिसेप्शन पर, इनमें से किसी की फोटो सही नहीं आई, ऐसा होना मुमकिन नहीं है। तो मैम ने कहा कि एक काम करो, अभी तुम थोड़ा रिलैक्स करो, हो सकता है कि सफर की वजह से तुम्हारे को थकान ज्यादा सिर चढ़ गई है। मजाक हुआ, सबने इस बात को रफा दफा कर दिया। तो वहां जो क्रू आया हुआ था उनमें से एक डरता बहुत था, उसे इन चीजों पर, इन शक्तियों पर कुछ ज्यादा ही विश्वास था कि हाँ मैंने ऐसा भूत प्रेत का जो भी है देखा हुआ है, अपनी आंखों से महसूस करा हुआ है, हमारे रिलेटिव के साथ भी ऐसा हो चुका है, मैडम तो ये जगह हॉन्टेड हो सकती है, ये खतरनाक हो सकती है, हम यहाँ ना रहकर कहीं और रहते हैं। सरोज खान ने कहा कि आप ये सब मेरे से तो कह रहे हो, स्टाफ से मत कहना, वरना लोग हंसेंगे डरेंगे। इस आदमी ने बहुत लोगों से एक तरह से इनडायरेक्ट वे में ये बात बोली कि ये जगह ठीक नहीं है, यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ है, और हमें इस तरह की शूटिंग यहाँ पर नहीं करनी चाहिए, ये
क्योंकि आप एक तरह से उसके बारे में लोगों को अपनी फिल्म के तरीके से दिखा रहे हो, जो कि असलियत में वहां है। भूत प्रेत आत्माओं पर तो है ना। और राज एक ऐसी पिक्चर है जिसे हाँ बहुत सारे लोगों ने कहा कि देखकर डर लगा, वरना हिंदी पिक्चरें मैं क्या ही बोलूं, मुंह पर सफेद पाउडर लगाकर भूत दिखा देते हैं। खैर बाबा रे बाबा, लोगों को सीखना चाहिए। मिरर है, कॉन्जरिंग है, ग्रज है, ये पिक्चरें ऐसी हैं जिसे देखकर आपको कुछ फील होता है, एहसास होता है, कि जिसे डर कहते हैं। लेकिन हिंदी सिनेमा जय हो जी। और अगर वेब सीरीज की या टीवी सीरियल की बात करूं तो वो तो पत्थर को रस्सी में लपेट कर फेंकते हैं और चांद को नीचे खींच लेते हैं, है ना। हंसने की जरूरत नहीं है, ऐसा मैंने देखा, एक टीवी पर आ रहा था, वो पता नहीं कौन सा सीरियल था, मुझे हंसी आई वो देखकर। मैंने ये क्या था, क्योंकि बहू रानी ने कहा था कि जो चांद लाएगा शादी उसी से होगी, तो अच्छा। खैर मैं वहां क्यों जा रहा हूं। होता क्या है कि जब इसने कई लोगों से ये बात कही और सभी ने एक तरह से इसका मजाक बना दिया, तो इसने ये सोच लिया कि मैं इस होटल में नहीं रुकूंगा, मैं बाहर किसी भी छोटे मोटे होटल में रुक जाऊंगा, यहां नहीं रुकूंगा। इसने जब यहां से जाने का प्लान करा कि 5 बजे शाम के और मैं जा रहा हूं, शूटिंग तो कल होनी है, मैं कल आ जाऊंगा, सबने कहा कि नहीं यहां रुको ना, यहां पर तुम बेकार में अपने पैसे खर्च के जा रहे हो, यहां पे प्रोडक्शन दे तो रहा है पैसे। उसने कहा पैसों की बात नहीं, लेकिन जो मैं जानता हूं उसको मैं ट्राई नहीं कर सकता, मैं यहां नहीं रुकूंगा। वो इंसान यहां रुका ही नहीं और सबको एक तरह से वार्निंग देकर गया था कि आप यहां रुककर गलती कर रहे हो। सरोज खान ने इन सभी को एक तरह से लाइट कर दिया, यानी कि आप एक हंसी मजाक चुटकुलों के साथ इन्होंने माहौल बदल दिया और वहां पर सब लोग हंसने मुस्कुराने लग गए, सब भूल गए कि हम भूत प्रेत की जगह पर आ चुके हैं। और हाँ, ये जगह ऐसी है, आज की डेट में अगर लोग जाते हैं तो कुछ लोग कहते हैं कि होटल को बंद कर दिया गया है, बिल्कुल से शटडाउन कर दिया गया है, और कुछ लोग कहते हैं कि हाँ महीने दो महीने के लिए ये कभी कभी खुल जाया करता है। जिसे उसके बारे में नहीं पता वो जाकर वहां बुकिंग कर लेते हैं, पूरी पूरी फैमिली के साथ रुकते हैं, लेकिन एक दिन रुक पाते हैं, जबकि बुकिंग होती है 10-12 दिन की। एक दिन में बाहर आ जाते हैं, वहां स्टे करना आज भी लोग ये कहते हैं कि खतरनाक है। उन लोगों के साथ क्या हुआ था जरा ध्यान से सुनिएगा। ये जब शाम 6-6:30 का वक्त था तो इन्होंने सोचा कि एक हल्का सा यहां पर ट्रायल किया जाए, थोड़ा सा पिक्चर का जो हमें सीन कल करना है वो एक रिहर्सल कर लेते हैं। तो बिपाशा बासु और जो वहां उनके हीरो वगैरह जो थे वो सब तैयार थे कि ठीक है आधा एक घंटे बाद हम यहां पर मिलते हैं, सामने जो गार्डन है उसके पास रिहर्सल करके देखते हैं। कैमरा वगैरह लगाया गया, वहां पर सारा स्टाफ आ गया, बिपाशा भी तैयार होकर आ गई और बाकी लोग भी आए। तो बिपाशा के कैमरे पे आने से पहले इन्हें एक साया वहां उसी जगह पर जाकर बैठा हुआ दिखा जहां बिपाशा को बैठना था। अब कैमरामैन ने अपने साथ वाले को बताया कि आपको एंगल चेंज कर देना चाहिए, यहां ना बैठाकर वहां बैठाइए। नहीं नहीं, यहां ही बैठाना है और यहीं से तो शूट है, यहां से ही उठकर जाएंगी और रिहर्सल तो है, बैठने दे। उसने कहा नहीं, मैं अब आपको कैसे बताऊं कि मैंने यहां किसी को अभी देखा है। अब फिर से सबके मन में एक डर आया कि क्या बोल रहा है, किसको देखा है, क्या मतलब कौन था, मुझे नहीं पता, लेकिन एक काला साया है और वो हवा में एकदम गायब हो गया। पहले यहां बैठा हुआ दिखा जैसे कि लोग इंसान वगैरह बैठते हैं, उसके बाद वो हट गया। बिपाशा ने मना कर दिया कि अगर ऐसा है तो मैं यहां नहीं बैठूंगी, कोई दूसरा एंगल देख लीजिए, हमें सिर्फ रिहर्सल ही तो करना है। चलो जी, ये एक उचित डिसीजन हुआ, लेकिन यहां कैमरामैन के मन में डर आ गया कि कुछ तो है जो मुझे समझ नहीं आ रहा, मैंने आज तक ऐसा कुछ देखा नहीं, ऐसा कुछ महसूस नहीं करा। सरोज खान तक ये बात पहुंची, उन्होंने कहा कि देखो अब इससे रिलेटेड कोई बात नहीं होगी, हम यहां पर शूटिंग करने आए हैं और हमारी कम से कम 25-30 दिन की शूटिंग है, इस तरह के डर के साथ हम एक दिन भी काम नहीं कर पाएंगे, तो आप सब डरो मत, ये सब होता है लेकिन यहां कुछ भी नहीं है। चलो जी, एक अजीब बात बताऊं, इन लोगों ने ये महसूस नहीं करा कि पूरे होटल में इनके अलावा किसी की बुकिंग क्यों नहीं है, जबकि भाई इतना बड़ा होटल है, इतना अच्छा होटल है, तो यहां पर लोगों का होना जरूरी बनता है। ऊटी है, सुंदर जगह है, लोग आते हैं गर्मियों से और खासतौर से दिल्ली से, तो क्यों किसी और की बुकिंग नहीं है इतने बड़े होटल में, सिर्फ इन्हीं का स्टाफ क्यों है। और तो और पूरे स्टाफ को अगर देखा जाए, गिना जाए, तो 5-6 लोग इतने बड़े होटल में कैसे मैनेज कर रहे हैं। रिसेप्शन पे 2 जने हैं, बाकी एक क्लीनिंग, एक उनका थोड़ा सा हेल्पिंग और 2-1 शेफ थे जो कि खाना बना रहे थे। पूरा होटल अगर देखा जाए तो 50-100 लोग काम करते हैं, यहां सिर्फ 5-6 या मैक्सिमम 10 मान लो। इन्होंने यहां पर जब शूट करा तो इन्हें बहुत अजीब डरावनी आवाजें आई अपने होटल के अंदर से। जिस तरह के चीखना चिल्लाना इनका होना चाहिए था शूटिंग के दौरान,
उस तरह की आवाज बिल्कुल हूबहू वैसी ही जैसे किसी ने इनकी कॉपी करके अंदर से सुना दिया हो। सबके हाथ पैर ठंडे हो गए कि अंदर कोई है, कोई स्टाफ का मेंबर है जो कि हमारे साथ इस तरह का खिलवाड़ कर रहा है, मजाक कर रहा है। बात डरावनी भी है कि अगर ये मजाक नहीं है और सच है तो ऐसा कैसे हो सकता है। यहां बिपाशा को भी डर लगा और जो हीरो था उसको भी डर लगा, स्टाफ को भी डर लगा, लेकिन यहां सरोज खान ने फिर से एक माहौल संभाल लिया। फिर से उन्होंने चुटकुले वगैरह कुछ करके कि किसी के मन में डर ना बैठे। चलो जी, वहां पर कुछ लोग शूटिंग देखने भी आए थे, लेकिन वो एक देखिए जब शूटिंग होती है तो एक रोक सी लगा देते हैं ना बीच में, कि एक बैरियर वगैरह लगा देते हैं कि आप इससे आगे मत आइए। लेकिन ये पहली बार ये देख रहे थे लोग कि बैरियर लगा हुआ नहीं है लेकिन कोई आगे इस परिसर में नहीं आ रहा है, यानी कि उन्हें पता है कि होटल के अंदर क्या है और वो आना ही नहीं चाहते। वो जानते हैं इस होटल में क्या है। वो लोग अपने आप ही रुके हुए थे, बाहर रुके हुए थे, जबकि गेट वगैरह खुला हुआ था, आ सकते थे, लेकिन वो लोग आए नहीं अंदर, जो कि वहां के लोग थे जो शूटिंग देखने आए थे। रात होती है, इन सभी ने डिनर किया। डिनर करने के बाद सब लोग अपने अपने रूम्स वगैरह में गए और इन सभी का जो है ना, मतलब जो कमरा है वो इसी फ्लोर पर इन्होंने अपॉइंट कर दिया सबको कि आप सब यहीं पर रुकिए और जब सामने रहेंगे, आपको मदद चाहिए होगी तो हम एकदम हाजिर हो जाएंगे, थोड़ा सा स्टाफ कम है। सरोज खान ने भी इस बात को लाइटली ले लिया, कोई बात नहीं, सब यहीं पर रह लेंगे। जब ये यहाँ पर रुके रात में और तकरीबन 12:30 बजे इन्हें पहला एहसास हुआ कि हम गलत जगह आ गए। एक मेज सरकने की आवाज आई तो सरोज खान की आंख खुली। उन्होंने जो उनके साथ रुकी हुई थी उनकी कलीग, उनसे कहा कि तुम्हें भी आवाज आ रही है? तो उसने कहा आवाज तो आ रही है। फिर एक औरत के रोने की आवाज आई इनके खिड़की के पास से और वो इन्हें दिख रही थी, मतलब जो मिरर है उस पर बर्फ की वजह से, बाहर ठंडक की वजह से, वेदर की वजह से एक ओस थी, ठीक है। तो उसे जब इन्होंने हाथ से हटाकर देखा कि कौन रो रही है, तो वहां उस तरफ एक औरत है जो कि बहुत सुबक सुबक के रो रही है, बहुत परेशान है। इन्होंने विंडो खोलने की कोशिश करी लेकिन इनसे खुली नहीं। जो इनकी मदद कर रही थी उनका ये कहना है कि मैंने मतलब पूरी जोर से, पूरे जान से उस विंडो को स्लाइड करने की कोशिश करी लेकिन वो हिली नहीं हमसे, जबकि दूसरी तरफ की विंडो हल्की सी हिल रही थी लेकिन वो पूरी तरीके से जब तक खुलेगी नहीं आप वो महिला जो बाहर है उसे देख नहीं पाएंगे, अच्छे से बात नहीं कर पाएंगे। मतलब इन दोनों को कुछ देर तक उसको एहसास हुआ, देखा उसे, इन्होंने रोते हुए को भी सुना। उसके बाद ये रिसेप्शन पे फोन करने के लिए अपने फोन से जब फोन उठाती हैं तो वो फोन में कुछ अजीब सी टोन आ रही थी, मतलब कि शायद कोई बात कर रहा है, बिजी है, एंगेज है। तो इन्होंने कहा अभी कोई फोन पर बात कर रहा है, बाद में करूंगी। जैसे ही इन्होंने फोन रखा वो रोने की आवाज बंद हो गई थी। इनके कॉरिडोर से कोई चिल्लाता हुआ एकदम भागता हुआ गया। ये दोनों एकदम डर कर बेड पर इस तरह से बैठ गए कि ना जाने इस होटल में क्या हो रहा है। दरवाजा खोलकर देखते तो कॉरिडोर में कोई नहीं था। किसी और ने भी दरवाजा खोलकर देखा तो सरोज जी से पूछते हैं वो कि आपने भी सुना था कि कोई अभी कॉरिडोर से भागता हुआ गया, चिल्लाता हुआ गया? उन्होंने कहा सुना तो था हमने, लेकिन हो सकता है कि कोई स्टाफ का हो, कोई बात हुई हो, आप जाओ आराम करो। अब सब लोग जब आराम कर रहे थे तो रात के 3 बजे, एग्जैक्ट 3 बजे इनकी घड़ी में वो वाला जो आता है ना पेंडल वाला घड़ी जो कि 3 बार बजेगा, टन टन टन, जो पहले के टाइम में चलती थी, इसीलिए इन्होंने वो चीज मेंशन करी जो इनके साथ है। इनके साथ पूरे स्टाफ ने ये चीज मेंशन करी कि हाँ उस वक्त 3 बजे थे। 3 बजे इनके हर किसी के कमरे के ऊपर बहुत तेज तेज आवाज आनी शुरू हो गई, धड़ 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 धड़। तो भाई सभी की आंखें खुल गई, जो गलती से सो गए थे और जो डर रहे थे वो तो जागे हुए थे। जब इस तरह का कुछ हुआ तो ये सभी लोग उठकर बैठ गए। इन्होंने सरोज जी ने फोन उठाया तो फोन इनका डेड था कि ये क्या हो रहा है, हमें रिसेप्शन पर जाकर बात करनी चाहिए। दरवाजे खोलने की कोशिश करी तो 3:15 बजे तक किसी का दरवाजा खुला ही नहीं। इन सब ने, जितने भी लोग थे इंक्लूडिंग बिपाशा बासु, इन सब ने एक औरत के रोने की आवाजें सुनी हैं, अपने कमरे में साय को देखा है। उस साय ने ये मानी है कि एक और थे इनके यहाँ जिसका नाम सूरज था, ठीक है, उसने कहा मैंने उसे प्रॉपर अपने मिरर में देखा है, औरत को खड़े हुए, उसका चेहरा नहीं था, ठीक है, उसका धड़ था, चेहरा नहीं था, और उसके पैरों के पास मैंने अपना चेहरा रखा हुआ देखा। और ये इतने ज्यादा डर गए कि जैसे ही दरवाजे सबके खुले और ये भाग के बाहर आए तो रिसेप्शन पर कोई नहीं मिला। आवाजें देते हैं, शोर मच गया एकदम, तो रिसेप्शन वाले जो लोग थे
वो होटल के बाहर से आए, यानी वो बाहर रुके हुए थे अपना, उन्होंने कैंप फायर कर रखा था, लकड़ियों में आग लगाकर वहां बैठे हुए थे। वो आए एकदम से पूछते हैं कि क्या हुआ। सरोज जी ने कहा कि अगर आपसे कोई मदद मांगता है तो आप फोन पर अवेलेबल क्यों नहीं होते, हम सब आपको कॉल कर रहे हैं। उन्होंने कहा फोन हमारे काम ही नहीं कर रहे। इन्हें बड़ी अजीब लगी बात कि पहले मैंने डायल टोन सुनी है उसके बाद फोन एंगेज है, तुम कैसी बातें कर रहे हो। मैडम आपका वहम होगा, नहीं मैंने अपने विंडो के बाहर किसी औरत को खड़े हुए देखा है, किसी को रोते हुए देखा है, आप क्या बोल रहे हो। तो वहां के एक स्टाफ ने बोल दिया कि अगर आप सब ठीक रहना चाहते हो तो ये होटल अभी छोड़ दो, अगर आपको वो दिख चुकी है। इन्होंने तुरंत होटल छोड़ा। रात को 4 बजे तक ये सब यहां से सामान अपना लेकर किसी और जगह चले गए थे। उसके बाद इस होटल को अगले दिन ही बंद कर दिया गया। कहते हैं कि वो ना जाने कैसे इतने समय तक शांत रही और एकदम वो जाग गई। उस प्रेत का सामना किसी के बस की बात नहीं है करा जाए, और आज भी इसे हॉन्टेड माना जाता है। तो आज के आर्टिकल में इतना ही, कैसा लगा बताना जरूर। छोटा है लेकिन मैंने सोचा एक इन्फॉर्मेशन मेरे तक आई तो मैं आप तक भी जरूर लाऊं। पसंद आती है वीडियो तो प्लीज लाइक करिएगा, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और जुड़े रहिए इस तरह की और वीडियोस के लिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है, मुलाकात करूंगा आपसे अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। धन्यवाद के लिए मेरा दूसरा हाथ। धन्यवाद।